मुमरा कौसा के विकासी खड्डों की पोल दिन ब दिन खुलते जा रही है। भ्रष्टाचार नेताओं हो जाओ सावधान, क्योंकि खुलेगी पोल सबकी और निकलेगा भ्रष्टाचार सबका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। हाल ही में हमने मुमरा कौसा के तमाम खड्डे का जायज़ा लेकर के आपको बताया था कि किस तरीके से करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी मुमरा कौसा की सड़कें किस तरीके से, और उसी के बाद खड्डे दिखाने के बाद हमें कांग्रेस के पदाधिकारी भी दिखे इस खड्डे को लेकर के। एक उन्होंने प्रदर्शन किया और किस तरीके से उन्होंने शिमला पार्क से लेकर के बाईपास तक के खड्डों का नज़ारा लिया, और जब से विक्रांत चौहान ने संभाली है मुमरा की कमान, जब से एक्स मेयर नईम खान के साथ उनकी टीम, नूर मोहम्मद सैयद और एजाज शेख और तमाम ऐसे कांग्रेस के पदाधिकारी के युतियों में दिख रहा है इसका जोश। और हम आपको बताएंगे हमने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत के दौरान। देखिए हमारी रिपोर्ट में कि कैसे खड्डों का जायजा लिया कांग्रेस ने। खड्डे भरने आए, जो काम महानगर पालिका नगर सेवकों का था वो काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। ये अभी चेतावनी है तो महानगर पालिका और अपोजिशन ये समझ जाए कि हम पूरे 1.5 साल तक हम पूरे काम करते रहेंगे, जो भी फलाभ अभिवृद्धि के लिए काम पब्लिक के लिए हुआ। खड्डे देखे और बहुत जानलेवा खड्डे, काफ़ी व्हीकल्स भी पलट जाती है इसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आपने ये खड्डे देख करके अभी सोचे कि भरेंगे? ये खड्डे देख के हम लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम लोगों का यही रास्ता है आने जाने का। तो एक दो बार मेरे सामने आ गई थी बंधक पे, लोग बाइक से स्किड होके गिर भी गए खड्डों की वजह से। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हमको दिखता है तो यहाँ के नगर सेवक को, यहाँ के थाना महानगर पालिका के लोगों को ये खड्डे नहीं दिखते हैं क्या? तो हमारे दादा अभिखान चौहान, जो हमारे थाने के अध्यक्ष अभी नव नियुक्त है, उन्होंने बोले कि इसके लिए पूरे मुमरा ही नहीं, थाना कलवा पूरा ऑल वर्क थाना में इसका मुहिम चलाई और इसके लिए खड्डा भरना आंदोलन आज हम लोगों की थाना की तरफ से ये किया गया, आयोजित किया गया। ये विकासी खड्डे है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, जब कुछ भी पूछा जाता है सत्ताधारियों को कि क्या विकास हुआ है मुमरा में, तो वो सबसे बड़ा एक ये उदाहरण देते हैं कि मुमरा की सड़कें देख लीजिए, रेती बंदर से लेकर के बाईपास तक एक भी खड्डा नज़र नहीं आएगा। तो उनके दावों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जितने दावे हैं हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ के रहवासी, यहाँ से बम्बई तक के कहीं भी जाएंगे ना तो लोग यही बोलते हैं कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है। ऑल ओवर सब जगह यही बात फैली हुई है कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे सिर्फ लोगों ने पैसे अपने ठग के बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे अपनी जेब गर्म किया है, फाइल्स आती है पास होती है, काम नहीं होता है, काम 2 पैसे का होता है, फाइल 100 रुपये की पास होती है। जैसे कि 2020 की बात करें, 20 करोड़ रुपया पास किया गया था इस सड़क को बनने में और कहीं ना कहीं 64 से 65 करोड़ हो चुका है 2017 से लेकर 2020 तक का। इतना बड़ा करप्शन हुआ और इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी रोड ऐसे है, तो क्या लगता है इतना भ्रष्ट नेताओं को बदलने के लिए क्या करना चाहिए लोगों? इसके लिए बदलने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है क्या आप लोग यहाँ के लोगों का काम देख के आप खुद ही सिलेक्ट करो, नेक्स्ट जो आप आमदार हो या नगर सेवक हो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। प्लान पास होता है स्टैंडिंग कमेटी में या किधर भी, एक्चुअल जिसका पैसा जो होना चाहिए, जो निधि पास होती है वो यहाँ पे नहीं जा रहा और किधर डाइवर्ट हो रहा होगा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। और ख़ास करके अभी आ रहा है हमारा मोहर्रम फेस्टिवल आ रहा है और गणपति हमारे भाई का, तो यहाँ पे काफ़ी हादसे होने का चांसेस है। ऑलरेडी वी आर सफरिंग विद कोरोना, पीपल आर गोइंग टू हॉस्पिटल, दे आर डाइंग, और लोगों को इसमें फेटल एक्सीडेंट्स होने का चांसेस है। इसके लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारी लेके हमने खुद खड्डे भरने का काम किया, ताकि प्रशासन यानी TMC और PWD नींद से जागे,
कोरोना का बहाना मत लो, आपको काम करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हम रखेंगे, आप भी रखो, काम कर सकता है। आपको यहाँ पे काम करना है, उसका उसके लिए आपको चुना जाता है। नहीं होता है तो बोलो कांग्रेस वापस सत्ता में आती है। वी हैव गॉट इनफ ऑफ केपेबल पीपल, हमारे पास लोग हैं जो कॉरपोरेटर एमएलए बन सकता है। आपसे अगर नहीं बनता है तो बोलो नहीं, पीछे नीचे उतर जाओ, आपसे नहीं होता है नीचे उतर जाओ। कांग्रेसी लोग हैं हम लोग मजबूत, तो फिक्र मत करो, हमारे पास काफ़ी लोग है। बीके भगत हमारे पहले के जूने एमएलए हैं, जो इतना बड़ा क्षेत्र है, बिगेस्ट बेलापुर क्षेत्र जो एशिया में था, उनके सुपुत्र है यहाँ पे अनिल भगत, उनको हम बनाएंगे एमएलए। और बहुत सारे हमारे पास मोतीराम भगत है, हमारे बड़े बड़े नेता है यहाँ पे, और विक्रांत चौहान सबका जो थाना पे, जिले पे जो आए हो वो डैशिंग है, और हमको हमारे पीछे उनकी ताकत है, तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। वो गए वो दिन जो हमको डराएंगे, पुलिस का डराएंगे, ये डराएंगे, हम कांग्रेस से उतरेंगे नीचे तो काम करके रहेंगे आवाम का। ये हमारा चैलेंज है, वी आर फॉर द पीपल, जन प्रतिनिधि है, जन के लिए हम सेवा करें, आवाम के लिए हम मर भी जाएंगे तो भी चलेगा। जो भी हमारे एरिए के बाहर जाते हैं तो ये जो खड्डे हैं, ये हर दिन मतलब एक मैसेज आता है कि आज ये हुआ एक्सीडेंट, आज वो हुआ एक्सीडेंट, ये मैसेज मतलब डेली का आता है। तो ये मैसेज विक्रांत सर दादा ने जो दिए है, बहुत अच्छा मैसेज दिए है, इसके लिए हमने ये आंदोलन किया और खड्डे भरे और रोड पे उतरे, और ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर बार बारिश आती है और ये चीज़ होते रहती है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ बारिश में नहीं होना चाहिए, बारिश में क्या खाली टाइम में भी नहीं होना चाहिए, और ये काम जो है प्रशासन से ये है क्या जल्द से जल्द होना चाहिए ख़त्म। 20,75,500 रुपया आपास हुआ है 2020 में, शुरुआती जनवरी के महीने में, जब ये बाईपास को 3 महीने के लिए बंद करके 10 सितंबर 2018 को चालू किया था, 2018 को चालू किया गया था आंदोलन होने के बाद। उसके बाद भी 3 बार इसका उद्घाटन किया गया राजनीति के लिए, लेकिन थूक पट्टी का ही काम होता है कहीं ना कहीं। लगता है आपको थूक पट्टी का काम हुआ इसके लिए? तो हम लोगों ने मोर्चा निकाले ना, थूक पट्टी का काम हुआ इसके लिए तो बोल रहा ना, इसके लिए बोल रहा, बड़े लोग आके सब शामिल होके इसको हमारे साथ में साथ दिए। हम तो चाहते कि आवाम का काम अच्छा हो, आवाम के लिए तकलीफ नहीं हुए, तो हम तो चाहते कि सब एक साथ में जुड़ के रहेंगे तब जाके काम होएगा। एक साथ जुड़ेंगे नहीं तो कोई काम होने वाला नहीं, कोई खींचम का नहीं। मेरी एक ही गुजारिश है कि कोई खींचम चानी नहीं करे, सब एकता रहेगी तो काम होएगा, एकता नहीं रहेगी तो ज़िंदगी में काम होने वाला नहीं है। और जो मैं यही चाहता हूँ कि ठेकेदार से, जो भी ठेकेदार है उससे तुम उस पर कार्रवाई करो, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल पहले ही काम करा है, तो ये क्या हुआ है? मेरे पास फोटो भी है उसके, काम किया, अभी काम किया, वापिस सलिया सड़ गई, तो ये क्या काम कौन सा हो रहा है? अभी 2 दिन पहला उसने मटेरियल डाला था रोड के लिए, खड्डे हुए थे, वो अभी वापस खड्डे हो गए, तो तुम्हारा काम कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है? मेरा यही करना है कि एक साथ आओ और एक साथ मिलके सब रास्ते मुमरा के आवाम के लिए अपन अपने लिए करेंगे, क्योंकि हमारा पीढ़ी से पीढ़ी यही बसा है। तो हम तो हमारे बाप दादा से चलते आ रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि चलते आए। अच्छा, आखिरी सवाल ये करूँगा, जैसे कि कल भी एक बस है ना, टर्निंग के टाइम पे पहाड़ में टकरा गई, और ऐसे ना जाने कितने हादसे होते हैं जिसमें कितने लोगों की मौत होती है। अब अगर कोई मौत होगी तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? हाँ, उसका पीडब्ल्यूडी को ठहराएंगे ना, ऑलरेडी उनको अपन लेटर भी दे चुके हैं, लेटर ऑलरेडी पड़ा है अपने पास, उसका जेरोक्स पड़ा है अपने पास, तो अपन ने 2 साल पहला दे चुके हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 50% काम हो गया है। पर ये जो ब्रिज का है ये मेन है, रोड तो अपन करते रहेंगे, पर ब्रिज कभी धोखेदायक में गिर गया तो, एक तो ऑलरेडी उधर ब्रिज के पास ट्रैफिक होता रहता है, क्यों खड्डे रहते हैं तो पूरा लोड होता है, तो उसका कैपेसिटी लेना मांगता है। आज तुम जाके देखो, अभी भी ब्रिज के नीचे काम चालू है, मैं तुमको अभी उसके फ़ोटो भी भेजता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब मिलके काम करें तो काम अपना मजबूत होएगा, मिलेंगे नहीं, एक उधर जाएगा एक उधर जाएगा तो मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब मिलके काम करें, मेरा एक ही उम्मीद है, कोई भी पार्टी हो सब मिलके काम करें। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।